मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। एक अंग्रेज था, उसका नाम था G.W. लिंटनर। उसने भारत की शिक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा सर्वेक्षण किया और उसने ये कहा कि भारत में 97% लिटरेसी रेट है। 1823 के आसपास की बात है। 97% साक्षरता है पूरे भारत। एक थॉमस मुनरो नाम का अंग्रेज अधिकारी था, उसने दक्षिण भारत का सर्वे करा है शिक्षा का, और वो कहता है कि यहां की साक्षरता तो 100% है दक्षिण भारत। और मुनरो और लिटनर की जो रिपोर्ट्स हैं वो अभी भी मौजूद हैं, हम पढ़ सकते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में है, भारत में भी है, आर्काइव्स में है। इन रिपोर्टों को पढ़कर हैरानी होती है कि एक भी गांव ऐसा नहीं था इस देश में 1823 तक जहां गुरुकुल ना हो, स्कूल ना हो। कई कई गांव में तो दो दो गुरुकुल थे, और उस जमाने में सामान्य गांव की संख्या 7,32,000 के आसपास थी। इतने ही गुरुकुल थे, इतने ही स्कूल थे, और 5 साल की उम्र से लेकर बच्चे पढ़ना शुरू करते थे। मुझे बहुत हैरानी देने वाला एक सत्य पता चला जब मैं ये रिपोर्ट्स पढ़ता था कि भारत के गुरुकुल में किसी भी विद्यार्थी को जब दाखिला मिलता था तो उसकी उम्र उस दिन 5 साल 5 महीने 5 दिन और 5 घंटे होनी चाहिए थी, तब दाखिला मिलता था। इतना परफेक्शन है कैलकुलेशन, 5 साल 5 महीने 5 दिन 5 घंटे, इतनी उम्र पूरी हुई तब विद्यार्थी को भर्ती कराया जाए, उसके पहले भर्ती नहीं हो सकता। इसके पीछे कोई गहरे कारण रहे होंगे, उनको ढूंढने की जरूरत है। अभी तो भारत पर बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। और इन गुरुकुलों में जो बच्चे पढ़ते थे वो 14 साल तक पढ़ते थे सामान्य रूप से, और उनको कई विषय पढ़ाए जाते थे। वेदों तो पढ़ाए ही जाते थे, गणित पढ़ाया जाता था, एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाई जाती थी, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती थी, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, मेटलर्जी पढ़ाई जाती थी, धातु विज्ञान पढ़ाया जाता। और ये सब बच्चे पंडित होकर, माने पारंगत होकर निकलते थे अपने अपने विषय। और प्राथमिक शिक्षा होती थी, माध्यमिक शिक्षा भी होती थी और उच्च शिक्षा भी होती थी। उच्च शिक्षा के 14,000 से ज्यादा कॉलेज थे इस देश में 1823 तक। विश्वविद्यालय थे इस देश में, हमने तो दो ही विश्वविद्यालयों के नाम सुने हैं, तक्षशिला और नालंदा। ये तो बहुत पुरानी कहानी है, मैं तो 175 साल पहले के सैकड़ों विश्वविद्यालयों के नाम गिना सकता हूं, 175 साल पहले। समय की कमी है इसलिए इसको वाइंड अप करना है मुझे जल्दी। विश्वविद्यालय थे, डिग्री कॉलेजेस थे, प्राइमरी स्कूल्स थे, सेकेंडरी स्कूल्स थे, गुरुकुलों के नाम से चलते थे। और अद्भुत व्यवस्था ये होती थी कि ये सारा शिक्षा का तंत्र राजा की मदद के बिना चलता था, समाज के लोग चलाते थे इसको। ये महत्व की बात, राजा गुरुकुल नहीं चलाते थे, गुरुकुलों को समाज चलाता। और समाज कैसे चलाता था, हर गांव में गुरुकुल के नाम एक जमीन बनाई जाती थी, मान्यम भूमि कहते थे उसको। उस भूमि में जितना उत्पादन होगा वो सब गुरुकुल के लिए जाए और बचेगा तो मंदिर के लिए जाए। फिर कई बार किसी गांव में मंदिर के पास सरप्लस हो जाता था तो वो गुरुकुल को देता था, गुरुकुल के पास सरप्लस हो मंदिर को देता था, ऐसे चलता था। राजाओं ने नहीं की है इस देश की शिक्षा व्यवस्था, प्रजा ने की। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि जब 1823 में भारत में 100% लिटरेसी दक्षिण में थी, 97% उत्तर भारत में लिटरेसी थी, उस समय इंग्लैंड में कोई पढ़ता नहीं था। इंग्लैंड में पहला स्कूल जो शुरू हुआ पढ़ाई का वो 1868 में शुरू हुआ, पहला स्कूल 1868 में। और हमारे यहां 1823 में 7,32,000 से ज्यादा स्कूल थे। 1868 में पहला स्कूल शुरू हुआ लंदन में, वो भी चर्च के पिछवाड़े में। और इस स्कूल में एक ही सब्जेक्ट था,
थियोलॉजी, धर्मशास्त्र पढ़ाते थे, माने बाइबल और कुछ नहीं। और यहाँ एक एक गुरुकुल में 18 विषय पढ़ाए जाते थे।